हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे सोशलाइजेशन का पार्ट टू जो है वो आप लोगों को देना था ऑन मंडे एंड मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ सम रीज़न विद माय बेबी ओनली। सो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। तो उसका हम पार्ट टू करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट मंडे करेंगे, क्योंकि जो यू नो टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी हम सेट कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी आज बिहेवियर थेरेपी थ्योरी थी जॉन वॉटसन की, तो आगे पैवलव होंगे। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको बिहेवियर थेरेपीज़ करवाई जाएं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम कोई बिहेवियर थ्योरी जो है वो ले लेते हैं। तो आज हम जॉन वॉटसन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पार्ट टू होगा सोशलाइजेशन का वो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट मंडे, जिसमें हम बेसिकली जो डिसोनेंस थ्योरी है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो आ रखे हैं जैसे 18-19 में जो क्वेश्चन आए हैं यू नो उस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने थे, तो अब हम नेक्स्ट वीक जो है उसको डिस्कस करेंगे। एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है जब मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, चाहे वो रीज़न कितना मर्जी जेन्युइन हो, बट ईमानदारी वाली बात ये है टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरा मूड काफ़ी देर ख़राब रहा कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेक्चर, क्योंकि मैं PPT ऑलरेडी बना लेती हूँ, मैं एडवांस में बना के रखती हूँ बिकॉज माई सर्कमस्टांसिस आर सच, कभी पता नहीं चलता। तो रिकॉर्डिंग इस बार मैं वैसे पहले कर लेती हूँ बट रह गई बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स, तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात समझेंगे और कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, और कंप्लेन अगर करेंगे भी तो आपका हक बनता है क्योंकि गलती मेरी है, ठीक है। चलिए आज हम जॉन वॉटसन पढ़ते हैं। ओके, वॉटसन को पढ़ने से पहले बेसिकली जो वॉटसन है ये एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से बेसिकली बिहेवियरिज्म आया है, ठीक है। उनसे पहले नो डाउट हम पैवलव की बात कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें कि बिहेवियरिज्म, क्योंकि पैवलव जो थे वो एक्सीडेंटली उन्होंने यू नो कंडीशनिंग लेके आए थे, वो बेसिकली फिजियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे थे डॉग की, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्योंकि वो खुद एक फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उससे अगर हम पैवलव की बात करें उसके, अगर हम पैवलव को हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी वजह से बिहेवियरिज्म आया है बिकॉज वो एक्सीडेंटली एक थ्योरी बनी है। बेसिकली अगर बिहेवियरिज्म किसी वजह से आया है या किसी इंसान को उसका श्रेय जाता है तो वो जॉन वॉटसन है। वॉटसन ने ही बिहेवियरिज्म की शुरुआत की थी, ठीक है। बेसिकली वॉटसन ने एक आर्टिकल लिखा था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट, और ये अपने आप में बहुत बड़ा इसने धूम मचाई थी। बेसिकली ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मतलब लोगों ने पढ़ा आर्टिकल, और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जिसमें उन्होंने बेसिकली ये बताया था कि आपका जो व्यवहार है किस तरीके से उस पर जो आपका इन्वायरमेंट है उसका असर पड़ता है, ठीक है। ओके चलिए, वॉटसन जो है आप कभी भी मतलब उनको ये नहीं लगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंडीशन पढ़ लें। फिर इंटरनल कंडीशन क्या होती है, जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमें रोना यू नो या फिर जो हमारे अंदर एंगर है, सैडनेस है, ये सारे के सारे हमारे बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस करें जिसको आप माप नहीं सकते। ऑब्वियसली बात है इमोशंस को मापने का एज सच हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारा आउटवर्ड बिहेवियर होता है आप उसे माप सकते हैं। तो बेसिकली वॉटसन का यही मानना था, वो कहते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में स्टडी आप कैसे कर सकते हैं जिसको आप नाप ही नहीं सकते, तो क्यों नहीं आप कोई ऐसी चीज़ की बात करें जो एक्सटर्नल है जिसको आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, राइट। तो हमारा जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उसको हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इंसान के फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, वॉटसन ये मानते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स आता है, जो भी आप करते हैं फिजिकली, जो दिखता है बेसिकली बाहर, वो कहीं ना कहीं एक्चुअली में आपके अंदर क्या चल रहा होता है उसका एक दर्पण है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी आपके एक्शंस जो हैं वो आपके इंटरनल स्टेट से
प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा दिमाग में कुछ चल रहा है और उसकी वजह से इंसान जो है अच्छे से खाना नहीं खा पाता या वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। ये बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल है और ये हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके साथ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जैसे आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बिकॉज बहुत कुछ होता रहता है, तो उस दिन क्या होगा, अगले दिन आपको नींद नहीं आएगी, रात को आप सो नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपका इंटरनल चल तो सब कुछ आपके दिमाग में रहा है ना, लेकिन आपके एक्सटर्नल दिख रहा है, आपके रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं। उस दिन क्या होगा, आप सुबह उठेंगे, आपकी एनर्जी डाउन होगी, आपको कोई कुछ बात कह रहा होगा, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है तो आप सुन नहीं पाएंगे, है ना। वैसे भी हम लोग माइंडफुल तो है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, बिकॉज हमारे जो बाहर वाले जो एक्शंस हैं वो हमें बेसिकली बताते हैं कि हमारी इंटरनल कंडीशन कैसी है, ठीक है। सो इसी तरीके से वॉटसन ने बहुत ज़्यादा समय बच्चे की जो विकास है उसको समझने में लगाया, बच्चे के जो शुरुआत के ईयर्स होते हैं उसको समझने में लगाया, ठीक है। वॉटसन ने एक बहुत फेमस डायलॉग मारा है और ये सीटेट ने पूछ भी रखा है, प्रश्न आ रखा है। वॉटसन ये कहते हैं कि आप मुझे डजन, मतलब 12 हेल्दी शैशव अवस्था में जो बच्चे हैं वो दे दें, इन्फेंट्स दे दें, ऐसे इन्फेंट्स की मैं उनको ट्रेन करूँगा और मैंने जो मर्जी चाहे बना सकता हूँ, किसी को डॉक्टर भी बना सकता हूँ, यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं किसी को भिखारी भी बना सकता हूँ, बेगर भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ, चाहे उसकी जितना मर्जी टैलेंट हो उसके अंदर, जितनी मर्जी उसकी क्षमता हो, जितनी मर्जी जिस मर्जी एरिया से आ रहा हो, फील्ड से आ रहा हो, ठीक है, किसी मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे हों, जिस मर्जी उसमें से आ रहा हो, वो कहते हैं कि मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो जब वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं ना, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में जो हमारा वातावरण होता है ना, जो हमारा नर्चर होता है, उसका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आप बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कैसा वातावरण या कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट एक कैपेसिटी लेके आया, आप देखिए हर बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा दुनिया का ऐसा नहीं है जो डम होता है, हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ हैं, क्षमताएँ हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की बहुत अच्छी, आपको दिख रहा था कि भाई इसकी बहुत अच्छी इसके अंदर एबिलिटीज़ हैं, बड़ा इसकी बड़ी क्षमताएं हैं इसके पास, लेकिन आपने ये देखा कि धीरे धीरे जो वो कैपेबिलिटी या वो क्षमता लेके आया था वो बढ़नी चाहिए थी इन्वायरमेंट में आके, है ना, फैमिली में आके, लेकिन वो कम होनी स्टार्ट हो गई। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को चाहिए था आपने नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो धीरे धीरे चीज़ जानी शुरू हो जाएगी। आप अपने ऊपर भी लगा के देखिएगा, शायद कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो बचपन में आप बहुत खूबसूरत करते थे, आपको मज़ा आता था उसको करके और आप नेचुरली आपको आती थी, लेकिन आपके पेरेंट्स ने उसको हवा नहीं दी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो छूटनी शुरू हो जाती है। उसमें आप उतने ज़्यादा माहिर नहीं होते, उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, उतना ज़्यादा आप अच्छा नहीं कर पाते, ऐसा होता है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी हुआ है क्या ऐसा, क्योंकि मेरे साथ ज़रूर हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत रिलेट करती हूँ कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ है जो खूबी है आपकी, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको वो उस चीज़ को ना निखारा जाए तो वो धीरे धीरे ढलनी शुरू हो जाती है। तो यही वॉटसन की बात है, उन्होंने यही बात बोली है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से इंसान बोल के गए हैं, तो याद रखिएगा वो इंसान जिसकी वजह से बिहेवियरिज्म आया है, व्यवहारवादी जो अपने आप में एक स्कूल है, वो इन्हीं इंसान की वजह से आया है, ठीक है। चलिए अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। बेसिकली वॉटसन ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई सिद्धांत कोई थ्योरी जब आप लेके आते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक रिसर्च होती है, तभी वो सिद्धांत आता है। तो उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, उन्होंने बेसिकली एक एल्बर्ट नाम का बच्चा था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, जिसे हम लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिससे ये उन्होंने थ्योरी निकाली कि हाँ हम बच्चे को जैसे मर्जी ढाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली वॉटसन ये देखना चाहते थे कि जो वो बच्चा है उसकी इमोशनल लर्निंग कैसी होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए स्टार्ट करने से पहले एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कुछ एक नेचुरल इमोशंस है, ठीक है, जैसे कि स्माइल एक नेचुरल सा इमोशन है, अगर बच्चे के साथ स्माइल करो तो आगे से वो हमेशा स्माइल करता है, ठीक है। रोना एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब नेचुरल है ना कुछ इमोशंस, लेकिन कुछ इमोशंस हैं जिनको आप डालते हैं बच्चे के अंदर, फॉर एग्जांपल अंधेरे से डर लगना,
एक बच्चे के लिए, एक छोटे से जो 0 to 1 year का बच्चा है उसके लिए अंधेरे का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसके अंदर वो उस अंधेरे को एसोसिएट करते हैं विद द फियर. हम बार 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 कंडीशन कर देते हैं उसको और उसको डर लगना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब देखिए क्या है, एल्बर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये कहा, ठीक है, उसने 9 महीने का एक बेबी लिया, 9 month का बेबी, तो उसने देखा कि एक्सपेरिमेंट से पहले, मतलब जब उन्होंने कंडीशनिंग नहीं की थी उससे पहले, एक चूहा सामने रखते हैं, ठीक है, सफ़ेद रंग का, जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है. न्यूट्रल स्टिमुलस मीन्स न्यूट्रल, जो चीज़ के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको न्यूट्रल बोलते हैं, है ना, हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो न्यूट्रल होती है. तो बेसिकली उन्होंने देखा जैसे ही वो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, ये एक मेरे बेबी का टॉय है, ओके. अब इस टॉय के साथ ना उसकी कोई खुशी है, ना अगर ये टॉय ऐसे ही मैं उसको दिखाऊँ, ना उसको खुशी होगी ना उसको दुख होएगा. न्यूट्रल है ये टॉय, ठीक है, न्यूट्रल, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं. तो चूहे के साथ कोई फियर नहीं आ रहा था, चूहा दिखाया गया तो कोई डर का भाव नहीं था, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि चूहा एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, बेबी का कोई डर शो नहीं हो रहा था कंडीशनिंग से पहले. फिर क्या हुआ, एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, वो है डर. अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, डर ऑब्वियस सी बात है कि जो डर है वो एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसको कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको लगेगा. आप जैसे आपने देखा होगा बच्चे को, जैसे मैंने आपको बोला अंधेरा, अंधेरा का कोई, अंधेरे के साथ उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डर के साथ, ना डर तो है ही है एक इमोशन जिसके साथ आप आए हो, ठीक है, लेकिन अंधेरे के साथ डर होगा ये नहीं है, है ना, लेकिन हम कंडीशन कर देते हैं. अब ऐसे ही लाउड नॉइस, इसके साथ बच्चा डरता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा थोड़ी सी भी एकदम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकर की सीटी बजती है, ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, एकदम से हिल जाता है, ठीक है. कोई बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, जैसे मेरा बेबी नहीं रोता अगर सीटी उटी बज रही है तो, हाँ वो थोड़ा सा फील ज़रूर करता है कि सीटी बज गई, बट देन ही विल नॉट क्राई, उसको थोड़ा डर ज़रूर लगता है. तो डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है लेकिन नॉइज़ के साथ. अब देख रहे हो आप, अगर आप सीधी सी बात है कोई तेज़ तेज़ खड़का कोएगा तो ऑब्वियसली बच्चा डरेगा. अब क्या है, डर एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है जिसको कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है. लेकिन अब उन्होंने क्या किया, कंडीशनिंग करनी शुरू की, उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस लिया जो कि चूहा था जिसपे, सॉरी चूहा था जिसपे कोई रिस्पॉन्स जो है नहीं आ रहा था, कोई फियर डर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. उन्होंने उस चूहे को प्रेजेंट किया पहले और फिर एक जोर से हथौड़ा मारा, ठीक है, हथौड़ा जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ है, ठीक है. तो अब उन्होंने देखा बच्चे ने डर शो किया, अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स था वो आया, रोना स्टार्ट किया बच्चे ने डर के मारे. अब ये लगातार चलता रहेगा, चूहा आवाज और बच्चे का डर. चूहा क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको लेके कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा आपके लिए, कोई इमोशन, ऑब्वियसली बात है बच्चे के लिए कोई इमोशन नहीं है ना डर का चूहे को लेके, उसे पता नहीं चूहा होता क्या है, ठीक है, उसके लिए तो एक चीज़ है जो इधर उधर घूम रही है और बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चे को कि क्या है, है ना. तो प्लस जो हथौड़ा है या कुछ भी है चीज़, हथौड़े की जगह आप सीटी ले लें कुकर की, तो वो क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, मतलब कि अगेन उसके साथ कोई कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब भी नॉइस बजेगी बच्चे को डर लगेगा, ठीक है. तो ये इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया. कंडीशनिंग जब हो गई तो ये देखा गया कि जैसे ही चूहा आता था, मतलब जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब वो बन गया कंडीशनड स्टिमुलस, क्योंकि आपने उसको कंडीशन स्टिमुलस क्यों कह रहे हैं चूहे को, पहले वो न्यूट्रल क्यों था, क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब है कि उसके साथ तुम्हारी कोई एसोसिएशन ही नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है आपका उसके साथ, ना डर का, ना खुशी का, ना गम का, ना लव का, कुछ नहीं, ठीक है. लेकिन आपने उसको बार बार एक ऐसी चीज़ के साथ प्रेजेंट किया जिसके साथ इमोशन आता था, इसलिए वो कंडीशन बन गया, कंडीशनिंग कर दी, इसलिए उसे कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है. अब कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, चूहा. तो अब चूहे को देखते ही बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया, तो वो बन गया कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि अब रोना किस वजह से आ रहा है, चूहे को देख के आ रहा है, इसलिए उसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं, कंडीशन लग गई उसके साथ, ठीक है. सो क्या था, कंडीशनिंग से पहले बच्चा चूहे को देख के नहीं डरता था, लेकिन जब उसको हथौड़े के साथ बार 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 पेश किया गया तो बच्चा चूहे को देखते ही डरने लग गया, ओके. यह है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट. अब देखो क्या है, इसका मतलब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है. देखो
इसमें अगर आप चाहते हैं मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब है जिसके साथ कोई कंडीशन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक ऐसा स्टिमुलस है जो वो रिस्पॉन्स देगा, कंडीशनिंग के बगैर भी देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे के सामने कोई लेट्स से एक नॉइस, कोई ऐसी नॉइस जो बहुत ज़ोरदार है या बच्चे को बहुत ज़्यादा यू नो गुस्से से एकदम बोले तो वो रोएगा, ठीक है। अब रोना एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है बच्चे का, ठीक है, ज़ोर वाली आवाज़ पे, ठीक है। तो वो क्या है, उसे कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं ना पड़ी, आपने किसी चीज़ के साथ एसोसिएट तो नहीं किया अपनी ज़ोर वाली आवाज़ को, नहीं, आपने तो नेचुरली देखा है कि ज़ोर से आवाज़ आती है तो बच्चा रोता है, वो एक अनकंडीशन है, कोई कंडीशन आपने उसके साथ नहीं जोड़ी। अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी यही होता है, जैसे रोना, ठीक है, आपने उसकी कंडीशनिंग थोड़ी की है, रोना तो नेचुरल सा रिस्पॉन्स है जो बच्चे के अंदर आता ही आता है, बिना कंडीशन के, बिना उसकी किसी एसोसिएशन के भी आएगा। कंडीशनड स्टिमुलस वो हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो चूहा था इस केस में, मतलब जो एक कंडीशनिंग जिसके साथ की आपने, पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं वो दे रहा था लेकिन आपने उसको इतना कंडीशन कर दिया कि अब वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, ठीक है। और रोना अब कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया इस एक्सपेरिमेंट में, क्यों, क्योंकि भाई देखिए आपने उसको एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा है। हमेशा याद रखिएगा कंडीशन स्टिमुलस के साथ ही कंडीशन रिस्पॉन्स आता है, अगर स्टिमुलस में कंडीशन है तो रिस्पॉन्स भी कंडीशन वाला होगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक रिस्पॉन्स जो बिना किसी कंडीशन के पहले आता था जैसे रोना, ठीक है, लेकिन अब उस वो किस चीज के साथ आ रहा है, कोई ऐसी चीज के साथ जिसके साथ आपने कंडीशनिंग की है, जैसे इस केस में चूहे के साथ, ओके। चलिए, बिहेवियरिज्म को हम बिहेवियरल साइकोलॉजी जो है उस नाम से भी जानते हैं। देखिए आप, हम अब मैंने आपको पूरी कहानी गा दी है, अब आपको पता चल गया है कि बेसिकली बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्ट करेंगे आप चीज़ों को सीखेंगे, मतलब इन्वायरमेंट में आप कंडीशनिंग करेंगे, ठीक है, तो आप सीखेंगे, ओके। तो बेसिकली बिहेवियरिज्म का लेना देना सिर्फ इस बात से है कि कोई भी चीज़ जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहेवियरिज्म क्या ऑब्जर्वेबल स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर को यू नो स्टडी करते हैं, क्या वो उसके साथ डील करते हैं, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यस, बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली देख सकते हैं, बेसिकली उसी को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। बिहेवियरिज्म अकॉर्डिंग टू वॉटसन वॉज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑब्वियसली बात है जो दिखने वाला बिहेवियर है वो ही वॉटसन के लिए जो है बिहेवियरिज्म है, ठीक है, जो चीज़ आप दिख रही है, जो रिस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी व्यवहार जिसे आप रिकॉर्ड करते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे माप सकते हैं, बेसिकली वो बिहेवियरिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जो क्या है, जो वॉटसन था, मैंने आपको पहले भी कहा कि पैवलोव का तो पहले ही एक्सपेरिमेंट आ गया था, तो वॉटसन ने अपना जो आइडियाज़ हैं या वो किससे प्रभावित हुए, तो वो पैवलोव से हुए, ठीक है। जो पैवलोव थे आपको पता ही है इज़ यू नो फेमस हैं डॉग को लेके बहुत ज़्यादा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया डॉग को लेके, वहाँ से सारा कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो वॉटसन ये बहुत ज़्यादा यू नो इम्प्रेस हुए पैवलोव से, तो उन्होंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। अगेन जो व्यवहारवादी हैं वो बेसिकली ये अनकॉन्शियस जो अचेतन मन वाली जो थियोरी हैं, सिद्धांत हैं, आपको पता ही है किन्होंने दी हैं, सिगमंड फ्रॉयड जी ने दी हैं, इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। अगेन क्यों, मैंने आपको पहली रीज़न बता दिया, क्योंकि देखिए ये वो चीज़ें जो इंटरनल हो रही हैं जिनको मैं माप के ऑब्जर्व करके नहीं बता सकती, है ना, तो ये ऐसी चीज़ों को वो थोड़ा सा यू नो ख़तरनाक सा मानते हैं, तो वो उसमें बिलीव नहीं करते। सो बिहेवियरिज्म का तो यही मानना है कि कोई भी व्यवहार जो दिख रहा है, जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आप नाप सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो, ठीक है। चलिए
अब कुछ चीज़ें हैं बिहेवियरिज्म के बारे में जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही आ सकता है कि बिहेवियरिज्म क्या, मतलब टैबुला राजा वाली जो स्टेट है कि बिहेवियरिस्ट क्या ये मानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए तो हम एक बिल्कुल स्लेट, टैबुला राजा होता है जिसमें आप बिल्कुल एक स्लेट, देखिए ना आपने काले रंग की पहले बहुत आती थी, आजकल थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है वो स्लेट भी, अब मार्कर से लिख सकते हैं, पहले उसमें हम चौक से लिखते थे, है ना। तो बेसिकली हम उस स्लेट की तरह हैं, ठीक है, जो बिल्कुल साफ़ है, उस पर आप जो चाहें आप लिख सकते हैं। ये बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि बेसिकली जो भी आपका व्यवहार है वो आपने इस एनवायरनमेंट से आके सीखा है, ठीक है। सो हम सीख सकते हैं उसे, चाहे वो आप क्लासिकल कंडीशनिंग लगा लीजिए, चाहे ऑपरेंट लगा लीजिए, ठीक है, मतलब आप कुछ भी जो कंडीशनिंग है आप उसे लगा लीजिए, लर्निंग की जो भी थ्योरी है वो सिद्धांत आप लगा सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि वॉटसन ये मानते हैं कि साइकोलॉजी जो है उसको एज अ साइंस देखिए आप, तो इसी वजह से वो अचेतन मन की जो चीज़ें उनको साइकोलॉजी का पार्ट नहीं मानना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप इस, क्योंकि उनको लगता है ये ऑब्जर्व तो कर नहीं सकते। साइंस में क्या होता है, कोई चीज़ जैसे आप प्रूव कर सके, जैसे आप देख सके, जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकें, तो वो कहते हैं साइकोलॉजी को आप वो मानिए बेसिकली, ठीक है, जिसे आप प्रेडिक्ट कर सकें। सो अब देखिए क्या है, बिहेवियरिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि उनका लेना देना बाहरी व्यवहार के साथ था, वो बहुत ज़्यादा इंटरनल जो चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं, हमें हमारी इमोशंस हैं, हमारी जो सोच है, उनको लगता है कि इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली, ये नहीं होना चाहिए यू नो पार्ट तो ये यू नो साइकोलॉजी का। तो एक तो एक चीज़ आपने याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंसान के बीच में और जो हमारे जानवर होते हैं उनके बीच में एज सच बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है बिटवीन दी लर्निंग जो ह्यूमन में होती है या मतलब जो एनिमल्स में होती है। इसी वजह से बिहेवियरिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पहले एनिमल्स पे किए हैं, ठीक है, और उससे फिर आगे उनकी एप्लीकेशन इंसान पे हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि सो सीख में दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। ओके चलिए अगला यही है ना, ओके अगला है कि बिहेवियरिज्म इज रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल सही है, जो अगर हमारा बिहेवियर जो भी हुआ है, आज हम जो भी सीखते हैं, तो बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन से ही चीज़ों को सीखा जाता है। कोई भी व्यवहार नो मैटर वो कितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, उसको आप सिखा सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, कुत्तों के ट्रेनर्स आते हैं कुत्ते को ट्रेन करने के लिए, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन से ही बच्चे कुत्ते को सॉरी जिसे सिखाते हैं, ठीक है। सो ऐसी बच्चे के साथ है, ठीक है, सो आप उसे कुछ भी सिखा सकते हैं अगर आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों की एसोसिएशन करें। ओके अब बिहेवियरिज्म के टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे यू नो टाइप्स ऑफ बिहेवियरिज्म का मतलब है वर्जन है बिहेवियरिज्म के। सबसे पहले अगर हम वॉटसन के काम को देखें तो उसको मेथडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद वॉटसन से इंस्पायर होकर अगर कोई काम आया तो उसको हम न्यू बिहेवियरिज्म या रेडिकल बिहेवियरिज्म कहते हैं। बस आपने ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बस इतना सा आपको जानना है कि जो वॉटसन का बिहेवियरिज्म है उसको हम मेथडोलॉजिकल कहते हैं, क्योंकि वॉटसन मेथड्स के ऊपर, अप्रोचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। उसके बाद जो है वो न्यू बिहेवियरिज्म या रेडिकल बिहेवियरिज्म आए हैं। ओके जी, सबसे पहले कुछ इश्यूज हैं। अब हम बिहेवियरिज्म की बहुत बात कर रहे हैं लेकिन बिहेवियरिज्म में एक कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे सबसे बड़ा इशू रहता है नेचर और नर्चर का, ठीक है, हमेशा से ये डिबेट रहती है, बहुत ज़्यादा डिबेट है, ये एंडलेस डिबेट है, इसका कोई वो नहीं है। ये डिबेट ये है कि भाई पहले नेचर का ज़्यादा प्रभाव है आपके ऊपर या नर्चर का ज़्यादा प्रभाव है आपके ऊपर, ठीक है। सो बिहेवियरिज्म क्या कहेगा, नर्चर है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो तो इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देता है बहुत ज़्यादा कि यू नो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है हमें, लेकिन अभी इस डिबेट को फाइनल नहीं मान सकते कि यू नो नेचर की वजह से ही है या आप लेके नर्चर की वजह से ही है कि आप लेके आए कोई चीज़ें उसकी वजह से आप ऐसे हैं, कोई कहता नहीं आप नर्चर की वजह से हैं। सो ये जो डिबेट है वो चलती रहती है, लेकिन बिहेवियरिज्म क्या कहते हैं कि आप इन्वायरमेंट से सीखते हैं बेसिकली, मतलब आप जो भी है नर्चर से सीख रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी सोशल लर्निंग थ्योरीज होती हैं, ठीक है, वो भी तो नर्चर को इम्पोर्टेंस देती हैं कि आप नर्चर से सीखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि
कहने का मतलब यह है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप सीखते हैं, तो इन्वायरमेंट में ऐसे रोल मॉडल्स भी हैं जिनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि कुछ हद तक ये सही भी है नर्चर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ देख के सीख लेते हैं, ठीक है। अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम वैसे भी देख के ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, लेकिन एज अ चाइल्ड जब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते तो वो भी तो देख के सीख लेते हैं कि जब पानी कैसे पी रहे हैं तो वो सीख लेता है, ओके ग्लास पकड़ के ऐसे पानी पीना है, तो ये सारी चीज़ें। तो बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि बेसिकली हम कुछ चीज़ें पैदा हुए लेके आए, जैसे कि सॉरी जैसे कि हमारे इननेट रिफ्लेक्सेस, उनके साथ हम पैदा हुए। इननेट रिफ्लेक्स क्या है? सकिंग, सबसे पहला जो रिफ्लेक्स है, देख लो, देखो मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल, नेचर आपको ये रिफ्लेक्स दे के ही भेजता है क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर आपको सकिंग नहीं आती तो आप दूध कैसे पियोगे, आपका सर्वाइवल कैसे होगा, है ना। तो कुछ रिस्पॉन्सेज हैं जिनके साथ हम लेके आते हैं, जैसे हमारी कैपेसिटी चीज़ों को सीखने की, ठीक है, ये भी राइट। बाकी सारी चीज़ें, हमारी जो कितनी क्षमता है चीज़ को सीखने की, ये भी हम लेके आए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ये जो है बिहेवियरिज्म का स्टैंड है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए ना बिहेवियरिज्म का स्टैंड नेचर वर्सेस नर्चर में, तो आपने नर्चर वाली साइड पे ही जाना है, नेचर जी को तो नहीं आपने छूना नहीं है, ठीक है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये बेसिकली जो हम स्टोरी फॉर्म में चीज़ें पढ़ते हैं आपको समझ में आती है। मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट एक ही है, वो ये है कि चीज़ें जितनी आसान रखी जाएँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी लेमैन टर्म्स में जो हमें और आपको समझ में आए उसमें मैं पढ़ाऊँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर ये ठीक लगता है आपको, और जिनका भी मेरे से कंप्लेन था कि मैं पिक्चर्स नहीं डालती, तो आई होप आपका वो कंप्लेन अब ठीक रह रहा होगा। मैं कॉन्शियसली अब कम लिखती हूँ और ज़्यादा पिक्चर्स डालती हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर लिख के। ओके, अच्छा दूसरा इशू है जी इडियोग्राफिक और नोमोथेटिक, ठीक है। इडियोग्राफिक होता है जब आप बेसिकली एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इडियोग्राफिक नहीं है, वो एक नोमोथेटिक है अप्रोच है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको ये तो पता है कि हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना। हम ये कहते हैं ना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर इंसान के अंदर अपनी कुछ खूबियां हैं कुछ कमियां हैं और हर इंसान अलग है दूसरे से, ठीक है। लेकिन बिहेवियरिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा कम जोर देते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि आप कंडीशनिंग के जो लॉज हैं उससे आप कुछ भी जो है बिहेवियर आप सिखा सकते हैं। बार बार वो यही कहते हैं, ठीक है, कि बेसिकली अगर आपने किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो आप कंडीशनिंग से सिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिस फैक्टर को हम अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं या हमने नहीं करना चाहिए, जिसकी बात बिहेवियरिस्ट कम करते हैं, वो ये है कि बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बात समझ में आती है, लेकिन देखिए आप उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। क्योंकि ये बात ठीक है आप कंडीशनिंग से चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे पैवलोव ने कुत्ते को सिखा दिया, एल्बर्ट को हमने फियर सिखाया फ्रॉम द रैट, है ना, कि रैट से आपको डरना है। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर अपनी एक लर्निंग कैपेसिटी है कि वो चीज़ आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है हम किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खुद फिर भी नहीं सीख पाते, तो बेसिकली वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको इतना ज़्यादा मद्देनजर जो है बिहेवियरिस्ट नहीं रखते, ठीक है। ओके, तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू टेक इट, ठीक है। हो सकता है किसी को ये बहुत टफ लग रहा हो, उम्मीद करती हूँ कि इसमें इसमें इतना की है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ दो तीन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, ये अगर आपको कोई क्लियर क्लैरिटी है इन चीज़ों को लेकर, तो आप आराम से, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी आपको टिक करने में आंसर, आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई होगी, और तो ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कोई और भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम लें और हम उसके ऊपर बात करें, हम पढ़ें, हम उसे और इजी करें, अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक में भी कुछ आप चाहते हैं कि हम इसे और इजी करें, तो ज़रूर बताया कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और फिर मैं जब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ उन चीज़ों की कि मैं आपको वो बता सकूँ।
एक और चीज़ जाने से पहले थैंक यू बोलना है मुझे आप सबको फॉर दी सपोर्ट जो आप मेरे को कर रहे हैं, ठीक है, और आप वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आती है। और बिफोर आई गो, उससे पहले एक और चीज़ है जिनका भी ये मैसेज है, मैं उनको ये आंसर देना चाहती हूँ। कई बार क्या है कि बहुत लंबा आपसे नहीं लिखा जाता, मेरी एक्चुअली में आजकल थोड़ी सी वो रहती है कि मैं नहीं लिख पाती फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लंबा। तो किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे नहीं पता वो मेरे स्टूडेंट होंगे, उन्होंने कैसे ढूंढा है मुझे, एक मैसेज छोड़ रखा है। मुझे उन्हें सिर्फ ये बात बोलनी है कि देखिए, लाइफ में जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, आपका कुछ मर्जी गोल हो, ठीक है, आसान से आसान गोल हो या आपको लगे टफ से टफ गोल हो, जो भी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं हैं, ये मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने लाइफ में यही सीखा है कि आपने अगर एक कोई गोल रखा कि मुझे यहाँ जाना है, और अगर आप क्लियर नहीं उस गोल को लेकर, आप एक स्टेप आगे जा ही नहीं सकते। तो गोल सबसे पहले निर्धारित करने से पहले भी अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कीजिए कि मुझे यहाँ तक जाना है, बाकी जंग आप जीत लेंगे, मेरा यकीन मानिए, अगर दिमाग जो है वो क्लियर है। सो क्लैरिटी इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं एक पोस्ट भी बनाई है मैंने इंस्टाग्राम के लिए ये इसी को लेके, तो मैं वो ज़रूर पोस्ट करूँगी, आप देखिएगा। याप ही के लिए जिन्होंने भी मुझे ये मैसेज भेजा था कि फर्स्ट स्टेप जो है, प्लीज़ अपना गोल क्लियर रखें, अपना दिमाग क्लियर रखें, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, माइंडेड, और ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, ओके जी, चलिए।